नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बोगनविलिया प्लांट का रिपोर्टिंग करने वाले हैं। ये जो बोगनविलिया का प्लांट है, ये हमारे छोटे से टेरेस गार्डन में मिल्टन के पॉट में लगा हुआ है, जिसको हम लोग मिट्टी के पॉट में रिपोर्टिंग करने वाले हैं। ये बोगनविलिया का प्लांट मेरे पास में पिछले 2 साल से है और मैं इसे अपने पास ही के नर्सरी से लेकर आया था। ये आप देखिए, ये बोगनविलिया के प्लांट डुअल पेटल में इस तरह के फ्लावर्स खिलते हैं और काफ़ी अच्छा प्लांट है। इस बोगनविलिया प्लांट को हम लोग मिट्टी के गमले में रिपोर्टिंग करते हैं, तो चलिए देखते हैं रिपोर्टिंग करने का तरीका। इस बोगनविलिया प्लांट का जो एक्स्ट्रा शूट्स निकला हुआ है, अभी हम लोग उसको कटिंग करेंगे। हमने बोगनविलिया के प्लांट को प्लास्टिक पॉट से हटाकर अब मिट्टी के गमले में रिपोर्ट करने के लिए तैयार कर लिए हैं, जिसका कटिंग भी कर दिए हैं प्लांट का। और ये रिपोर्टिंग के लिए कुछ ज़रूरी सामान जो चाहिए होगा मुझे, ये हमारा गार्डन सॉइल जो इसी प्लास्टिक के पॉट से निकाला हुआ है, और वो जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट के साथ में मैंने कुछ ये एप्सम सॉल्ट मिलाया हुआ है और नीम खली, रेड पोटास के साथ में कुछ डीएपी के दाने, ये सभी को हम लोग मिक्स करेंगे और मिक्स करके फिर हम लोग इसको हमारा बोगनविलिया का प्लांट को हम लोगों ने सभी ज़रूरी सामान देकर रिपोर्ट कर दिया है, और आगे इसकी कैसे ग्रोथ होती है और कैसे इसमें फ्लावरिंग आता है, ये हम लोग जो है आप लोग के साथ में शेयर कर। फ्रेंड्स, हमने हमारे बोगनविलिया प्लांट को मिट्टी के गमले में रिपोर्ट कर दिया है, और आगे इसकी कैसे ग्रोथ होती है, कैसे इसमें फ्लावरिंग आते हैं, हम लोग आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जहाँ पर इस बोगनविलिया प्लांट का कटिंग किया था, उन सभी जगहों पर ये फंगिसाइड को लगाया है, और इस फंगिसाइड को लगाने से ये हमारा प्लांट इन्फेक्शन से बचा रहेगा। और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ऐसे ही जानकारी का बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।